जो लास्ट पार्ट है इसका वो है TIR यूज़ कहाँ हो रहा है, एप्लीकेशन ऑफ TIR. पहली एप्लीकेशन है TIR की ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. जो डायमंड है वो क्यों चमकता है. डायमंड में लाइट एंटर होती है, डायमंड की कटिंग इस तरीके से है कि लाइट उसमें एंटर होती है और जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसकी रिफ्लेक्शन होकर वो एयर में आनी चाहिए, पर कटिंग ऐसी है कि जब टकराती है सरफेस से उसका एंगल ग्रेटर देन लाइट का क्रिटिकल हो जाता है, तो इंस्टेड की रिफ्रैक्शन हो लाइट अंदर ही रह जाती है, फिर दूसरी सरफेस को टकराती है, उसकी कटिंग ही ऐसी है वो फिर से TIR की कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल हो जाता है, तो दो तीन बार अगर ऐसा हो जाए तो डायमंड चमकना स्टार्ट हो जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ TIR. नेक्स्ट है मिराज. मिराज एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक वहम है जो डेजर्ट्स में गर्मियों के दिनों में आप फील कर पाएंगे ऐसे. तो कैसे, जैसे मिराज के अंदर ये समझाया जाता है कि सपोज आपके पास बहुत गर्मी है, किसी दिन बहुत गर्मी है, डेजर्ट में है, और ये ऑब्जर्वर है और ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज एक ट्री है या कुछ भी है, पेड़ है. तो जब बहुत गर्मी के अंदर कोई ऑब्जर्वर बहुत दूर से इसको देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि इसके नीचे पानी है, सड़क गीली है या ये लैंड गीला है. ऐसा क्यों लगता है, ये ऑप्टिकल इल्यूजन है. जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो एयर की डेंसिटीज़ में फ़र्क आ जाता है, एयर की डेंसिटीज चेंज हो जाती हैं क्योंकि ग्राउंड बहुत गर्म है तो ये काफ़ी रेयरर होता है और ऊपर एयर क्या होती है, डेंसर होती है. मतलब यहाँ से आते आते इसकी डेंसिटी कम 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 होती जाती है. मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कुछ डिस्टेंस के बाद डिक्रीज 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 होता जाता है. अब ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ से रे निकलती है इमेजिन करो और मीडियम चेंज होता है, मीडियम चेंज में इट इज़ मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो ये नॉर्मल है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो फिर डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम नॉर्मल, हवा में लाइट क्या कर जाती है, एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल बना जाती है और लाइट सीधी ऑब्जर्वर के यहाँ आँख में आती है. ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि लाइट यहाँ से कहीं से आ रही है, उसको वो ट्री इन्वर्टेड नज़र आता है. इन्वर्टेड नज़र तो कैसे आएगा ग्राउंड के नीचे, उसको लगता है आसपास पानी है, उसकी शेडो दिख रही है. जब पास जाता है तो ये ख़त्म हो जाता है क्योंकि हवा में लाइट क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है. तो आप खुद सोचें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे चेंज हो रहा है. वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एयर का एक्चुअल में. वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट सीधी चलती नहीं है, ऐसे अवे 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 बेंड गोल घूमती हुई ऑब्जर्वर की आँख में आ जाती है. तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है जिसको क्या बोलते हैं, मिराज बोलते हैं. इस एग्जाम्पल के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह है ग्लास प्रिज्म. बहुत बार 10 साल में से कम 3-4 साल आपको ये डायग्राम दिखेगा, इंपॉर्टेंट है. वो बोलेगा कि प्रिज्म के अंदर TIR करके दिखाओ, प्रिज्म के अंदर कैसे TIR होता है. तो एक आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म है, राइट एंगल, तो आपने रेज को यहाँ एंटर करवाना है. मान लो एक ऑब्जेक्ट है, रेज यहाँ एंटर करेंगी, रेज जब एंटर करेंगी कायदे से नॉर्मल से रेज को एयर में चले जाना चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर होता क्या है, कभी कभी एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल बन जाता है और ग्रेटर देन क्रिटिकल में रिफ्रैक्शन की बजाय लाइट अंदर ही रह जाती है और यहाँ पे नॉर्मल की तरह हिट करती है और नॉर्मल के ऊपर हिट कर रही है तो वो बेंड नहीं हो पाती और रे यहाँ आ जाती है. ऐसी ये वाली रे भी देखो, एक बार TIR हुआ नीचे आ गई और रेज कितने एंगल बेंड हो रही है, बाय एन एंगल ऑफ 90, वो पेपर में देगा विद द हेल्प ऑफ TIR. आप लाइट को 90 डिग्री बेंड करके दिखाओ बाय यूजिंग अ टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म. इस टॉपिक का नाम क्या है, टोटल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म, जिसमें TIR होता है. ये डायग्राम आपने बना के दिखाना है. अगर ये नहीं आया वो कहेगा कि एक ऐसा डायग्राम बनाओ, एक ऐसा ग्लास प्रिज्म लो जिसके अंदर लाइट 180 शिफ्ट होती है, 180 डिग्री मुड़ जाती है. ये देखो कैसे, आप ये प्रिज्म लें, इस प्रिज्म में ये ऑब्जेक्ट जैसे रेज निकली, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं, नॉर्मल के साथ है, यहाँ TIR हो गया. अगर TIR ना होता तो लाइट आगे निकल जाती. एक TIR यहाँ हुआ, बेंड होगी, दूसरा TIR यहाँ हुआ जिसमें अगेन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल बनेगा और TIR होके लाइट वापस आ गई. तो देखो ना 180 शिफ्ट हो गया. तो डायग्राम आएगा सीधा बनाने को, 90 डिग्री शिफ्ट करके दिखाओ, 180 डिग्री शिफ्ट करके दिखाओ. और 180 डिग्री ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम, कैसे, एक फिर से 90 डिग्री आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म लिया, इस बार यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, रेज आई, रिफ्रैक्शन हुई, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल हो गया तो रेज बाहर निकलने की बजाय वापस चली गई
और बाहर रिफ्रैक्शन होके बाहर निकल गई। ये रे जो ऊपर थी वो नीचे आ गई, नीचे वाली रे ऊपर आ गई, देखो इन्वर्टेड बाई 180 हो गया। तो ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, वो कुछ ना कुछ जरूर बोलेगा 90 डिग्री चेंज करो या 180 चेंज करो। और लास्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स सुना होगा, वो खड्डे खोदते रहते हैं सड़कों पे, गवर्नमेंट वो कहती है एयरटेल वाले जियो वाले आ गए हैं, बीएसएनएल वो ऑप्टिकल फाइबर डाल रहे हैं। तो ये क्या है ऑप्टिकल फाइबर जिससे आप आजकल टीवी ब्रॉडबैंड फोन सब कुछ एक ही में करे जा रहे हो? तो ऑप्टिकल फाइबर कुछ नहीं है, ऑप्टिकल फाइबर देखो फाइबर क्या होता है, एक ऐसा ग्लास है जैसे जिसे शेड डलते हैं फाइबर्स, प्लास्टिक भी नहीं है पर फाइबर मटेरियल है। तो बेसिकली क्या होता है, हम दो किस्म के मटेरियल लेते हैं एक वायर में, एक वायर में दो किस्म के मटेरियल होते हैं, दोनों फाइबर है, दोनों में लाइट ट्रेवल कर सकती है ग्लास की तरह। एक मीडियम क्या लेते हैं डेंसर और एक मीडियम क्या लेते हैं रेयरर, डेंसर रेयरर, ठीक है। हम क्या करते हैं लाइट को एंटर करवाते हैं किसी भी तरीके से डेंसर में, और यहां पर लाइट को कायदे से रेयरर से होते हुए एयर में जाना चाहिए, पर होता क्या है यहां पर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल बन जाता है, हम डिजाइन ही ऐसे करते हैं, और उससे क्या होता है लाइट वापस आ जाती है, फिर यहां हिट करती है, फिर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल लाइट अंदर रह गई, फिर एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल लाइट अंदर। तो सोचो लाइट अंदर ही अंदर ट्रेवल करती हुई आगे चली जाती है। आप सोचेंगे फिर फायदा, फायदा ये जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं ब्रॉडबैंड ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी डेटा हो। ऑप्टिकल फाइबर से स्पीड बढ़ती है, क्यों? ऑप्टिकल फाइबर में हम क्या करते हैं, आपके घर में मॉडम्स लगे हुए हैं, वो मॉडम का काम है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना, लाइट में कन्वर्ट करना। और ये ऑप्टिकल फाइबर पता है कितना का है, ये देख रहे हो इसके अंदर कम से कम 10 ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ये तो मोटी तार है, इससे भी अंदर MM के अंदर तार चल रही है, इतनी छोटी, इसके अंदर लाइट ट्रेवल कर रही है, आपका पूरा डेटा इसमें ट्रेवल कर रहा है। आप ये देखो आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को लाइट में ट्रेवल करेंगे और सोचो लाइट की स्पीड क्या है, 3×10^8 हम दुनिया किसी कोने में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर सिग्नल जाएगा, और वापस मॉडम लगा होगा जो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, आप फिर से डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। ये काम चल रहा है, ये काम तो कई साल पहले चल रहा था, अब तो कुछ पता नहीं क्या चल रहा होगा, ठीक। बेसिक्स यही है। तो ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर क्वेश्चन आता है और इसकी एप्लीकेशंस आती हैं, क्या एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिशन के काम आती हैं, टेलीफोन्स के अंदर काम आती हैं या ट्रांसमिशन सिग्नल्स हैं, और मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, जब ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, या अगर मान लो आपको अल्ट्रासाउंड में कोई चीज़ नहीं दिख रही, सीटी स्कैन में नहीं दिख रहा, तो एक ऑप्टिकल फाइबर बॉडी में डाला जाता है, उस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट लगी हुई है, वो लाइट ग्लो करती है और आप देख सकते हैं अंदर कहाँ ट्यूमर है, क्या प्रॉब्लम है। इवन जो ऑपरेशंस होते हैं उसकी वीडियो भी बनती है। तो बॉडी के अंदर साथ में ऑप्टिकल फाइबर के साथ कैमरा डाला जाता है, इतना छोटा ऑप्टिकल और इतना छोटा कैमरा जो पूरी वीडियो को भी रिकॉर्ड करता है, और लाइट की फॉर्म, बिजली तो सेंड करेंगे नहीं, लाइट की फॉर्म में सिग्नल जो है वो ट्रेवल करता है, इतनी क्लैरिटी है। ये मेडिकल इन्वेस्टिगेशन का काम है।